हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इसके अंदर देखेंगे वीडियो में हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट। जैसा कि वर्ड बता रहा है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको गिवन है आप उसको पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग। तो यहां पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा, हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिस स्टेटमेंट के लिखने से जो हमारी स्ट्रिंग है हम उसके अंदर का कुछ पार्ट को निकाल सकें। इससे पहले आपको स्ट्रिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मगर सब स्टूडेंट से मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद स्ट्रिंग की वीडियो जरूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो कंसेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, 11th के एग्जाम में आता ही आता है। आगे अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी करोगे तो वहां पर ये यूज होता ही होता है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को निकाल देना, तो हम समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल से। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, आप इसको नोट कर लो, पहले इस पूरे एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर इसके बाद हम समझेंगे इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा। बेसिकली ये आउटपुट का क्वेश्चन है, हमें अगर ये गिवन होगा तो इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा। इसके बाद हम कुछ वीडियोस के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग बनाते कैसा है वो सीखेंगे। अभी यहां पर ऑलरेडी गिवन है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आउटपुट, मैं धीरे धीरे ऊपर करूंगा। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, बीच बीच में हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल कर इंफॉर्मेशन ले सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, साथ में प्रैक्टिकल्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द आउटपुट। तो सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू गैप्स क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का मतलब अगर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कंप्यूटर में तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब कंप्यूटर में मेमोरी में कैसे स्टोर करेगा। अगर आपको ये स्टोर करना आ गया तो आगे के कंसेप्ट आराम से आ जाएंगे, और इसको स्टोर करना समझना डायग्राम से बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू गैप्स क्लासेस। तो आपने क्या करना है, यहां पे ऐसे डायग्राम बनाओ, ठीक है, और इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर लिख दो गैप्स क्लासेस एक एक करके, जी ए बी एस। अब यहां ध्यान देना, यहां पर स्पेस है तो हम एक बॉक्स छोड़ेंगे किसके लिए, स्पेस के लिए। स्पेस आ गया, फिर क्या आएगा, यहां पे स्पेस देते हैं, सी एल ए एस एस ई एस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। क्या लिखा हमने, गैप्स क्लासेस, हर करेक्टर को अलग अलग बॉक्सेस में लिखा। तो पहले तो आप ये डायग्राम बनाओ, ये किससे होगा, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से, ठीक है। डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद आगे समझेंगे। अब जो ये डायग्राम बना है ये किसका बना है, इसका बना, ए का, यानी कि इस पूरे स्ट्रिंग का नाम है ए। स्ट्रिंग कौन सा होता है, अगर हम किसी को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है। अब इसका नाम क्या है, ए। तो जो फर्स्ट वाला होगा ये होगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, यानी कि अगर हमें फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो। सिमिलरली सेकंड को करना है तो क्या लिख देंगे, वन। तो ये मैं वन टू थ्री फोर लिख रहा हूं, कलर चेंज करके लिख देते हैं जिससे कि
समझ में आ जाए, जो ऊपर लिखा वो इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो इन दोनों को भी चेंज कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड का भी डिफरेंट कलर से लिखते हैं। दिस इज ए जीरो ए वन। अब पहले आप ये डायग्राम बनाओ, ऊपर ये लिखो, इसको कहते हैं जीरो वन टू थ्री जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडेक्स, इनको इंडेक्स कहा जाता है। नोट करो इसको, जब मैं कहूं नोट करने के लिए तभी नोट करना, अगर आप बीच में नोट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप पॉज कर लेना। अब आते हैं आगे, अब यहां क्या लिखा हुआ है, दैट इज प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन, हमें क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है। आउटपुट का मतलब जो अगर हम ये प्रोग्राम लिखेंगे तो आउटपुट क्या है, लिखा है ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन यानी कि जो हमारा ए स्ट्रिंग है जिसका इंडेक्स वन है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, तो इंडेक्स वन किसका, ए का, तो यहां पे क्या आ गया हमारा, ए आ गया, ठीक है। जब हम लिखना है तभी लिखना। अब लिखा है प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में फाइव, यानी कि जिसका इंडेक्स फाइव है उसको प्रिंट करो, फाइव किसका, इसका सी का, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया सी, इतना लिखो। ये आया हमारा इससे, ये आ गया हमारा इससे, नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट, अब ये है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जहां पर कॉलर लग गया दैट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग। तो यहां पर एक वन के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वन कॉलन सेवन, स्क्वेयर ब्रैकेट में क्या है, वन कॉलन सेवन, ये ब्रैकेट है, दिस इज सेवन। दोबारा से बता रहा हूं, यहां ध्यान दो, कॉलन से पहले क्या लिखा हुआ है, वन, तो इसका मतलब आपको स्ट्रिंग कौन सी है, ए, ए वन से एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। कॉलन के बाद लिखा है सेवन, इसका मतलब सेवन तक करना है, सेवन इंक्लूड नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा है, वन कॉलन सेवन, यानी कि वन से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ, सेवन तक जाओ, मगर सेवन इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब सेवन से कम तक, यानी कि एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स, तो वन से सिक्स तक प्रिंट करो। ये हमारा डायग्राम है, क्या है, वन से सिक्स तक ए बी एस स्पेस सी एल। तो इस स्टेटमेंट से जो ये स्टेटमेंट लिखी है इससे आंसर क्या आएगा, ए बी एस स्पेस सी एल, ठीक है, इसको नोट करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर ब्रैकेट में टू, मगर क्या लग गया, कॉलन लग गया, इसका मतलब स्लाइसिंग हो गया। तो ये कहता है कॉलन से पहले जो लिखा हुआ है नंबर वहां से स्टार्ट करो, यानी कि टू से स्टार्ट करना है। तो हमारा डायग्राम ये टू कौन सा, बी से, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे कॉलन के बाद कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब टू से स्टार्ट करके सारे एंड तक आएगा। तो टू से कौन सा स्टार्ट होगा, यहां से जीरो वन टू, यहां से एंड तक, यानी कि क्लासेस तक। तो आउटपुट क्या आएगा, बी एस स्पेस क्लासेस, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इस लाइन से क्या आएगा हमारा, बी एस स्पेस क्लासेस, स्पेस देना नहीं भूलना, स्पेस भी आएगा ही आएगा, नोट करो इसको। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे ध्यान दो, आप कौन सी स्टेटमेंट आ गई, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाले के जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इसको हटा देता हूं ग्रीन से। अब हम इस स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, क्या लिखा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, कॉलन सेवन, इसका मतलब कॉलन से पहले कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम सबसे फर्स्ट करेक्टर से उठाएंगे, और कॉलन के बाद क्या लिखा है, सेवन, तो ये सेवन इंक्लूड नहीं होगा, कहां तक जाएगा, सिक्स तक। कहने का मतलब कॉलन से पहले कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट करेक्टर से, और कॉलन के बाद अगर मेंशन है तो कहां तक जाएगा, सेवन करेक्टर तक, यानी कि जिसका इंडेक्स सेवन है, लेकिन सेवन वाला इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि कहां तक आएगा, सिक्स तक।
तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है हमारी, यहां से कहां तक आएगा, सिक्स तक, तो गैप्स स्पेस सी एल, इससे आया हमारा गैप्स स्पेस सी एल, ठीक है राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और बीच में कॉलन, कॉलन का मतलब इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा हुआ और बाद में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कॉलन से पहले कुछ स्पेसिफाई नहीं होता तो बिगनिंग से शुरू होता है, कॉलन के बाद कुछ मेंशन नहीं होगा तो कहां तक आएगा, एंड तक आएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ बिगनिंग कहां से हो रही है, जी से, एंड कहां तक आ रहा है, एस तक, क्या एस आएगा, हां आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, गैप्स स्पेस क्लासेस पूरा प्रिंट होगा, तो इससे क्या आ गया हमारा, गैप्स स्पेस क्लासेस, ठीक है नोट कर लो दोस्तों, बहुत ही आसान है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बट बच्चों से सॉल्व नहीं होते, तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट है, यहां लिखा हुआ है वन कॉलन सेवन कॉलन टू, ध्यान देना अभी तक इससे ऊपर जो भी क्वेश्चन करें, इससे ऊपर जितने भी करें, जहां पर स्लाइसिंग था कॉलन था वहां पर हमने सिर्फ एक कॉलन लगाया है, अब यहां पे कितने कॉलन आ गए, दो कॉलन आ गए, तो फर्स्ट कॉलन से सबसे पहला नंबर क्या डिनोट करेगा, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है वन, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, जिसका इंडेक्स वन है, फिर कॉलन के बाद क्या लिखा हुआ है सेवन, इसका मतलब वन से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, सिक्स तक, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता, उसके बाद क्या लिखा हुआ है दैट इज टू, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जो भी आएगा उसमें दो दो ऐड करो, कहने का मतलब क्या है इसको समझते हैं दोबारा से, कहां से स्टार्ट हो रहा है वन से, वन आएगा ठीक है, कहां तक जा रहा है सेवन तक, यानी कि सेवन से कम तक जाएगा, इसका मतलब सिक्स तक जाएगा, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है टू, इससे क्या होगा हर बार जब नेक्स्ट नंबर आएगा उसके इंडेक्स में टू ऐड करो, कहने का मतलब पहले तो वन आएगा, वन के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, अगर हम टू ऐड करते हैं, वन में टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री, थ्री आ गया, थ्री के बाद टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा फाइव, फाइव के बाद टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा सेवन, लेकिन सेवन तो इंक्लूड करना नहीं, इससे क्या कहां तक आएगा वन थ्री फाइव, काफी सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं वन से सेवन यानी कि सिक्स तक आना है, तो वो सिक्स वाले को भी इंक्लूड करते हैं, सिक्स को इंक्लूड तब करोगे जो ये डिफरेंस लिखा हुआ है, अगर ये आ रहा है तो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वन लिखा तो पहले वन आया, लास्ट सेकंड कॉलम के बाद क्या लिखा टू, इसका मतलब वन के बाद टू ऐड करो कितना हो गया थ्री, उसके बाद दोबारा टू ऐड करो कितना हो गया फाइव, अब मैं फाइव में दोबारा टू ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा सेवन, लेकिन ये कहता है सेवन वाला नहीं आना, तो कहां तक आ गया वन थ्री फाइव, सिक्स मत लिख देना क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे हैं तो सिक्स नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा आएगा फर्स्ट करेक्टर थर्ड करेक्टर फिफ्थ करेक्टर, यानी कि फर्स्ट करेक्टर जिसका इंडेक्स फर्स्ट है, थर्ड करेक्टर और जिसका इंडेक्स फाइव है, तो क्या आएगा ए स्पेस नहीं आएगा, ए साथ में एस और उसके बाद सी, ए एस सी, तो इससे हमारा आउटपुट क्या हुआ ए एस सी, ठीक है नोट करो इसको, ये जरूर कर लेना ये वाली चीज, सिक्स वाला भी नहीं आएगा तो वन थ्री फाइव आएगा। अभी इसके आगे हमें तीन ऐसे ही और पार्ट्स करने हैं और बेस क्लियर होगा, नोट कर लो पहले, दोस्तों इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो आप कोई दूसरी बुक भी रेफर कर सकते हो, और सब स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड करता हूं गैप्स क्लासेस की बुक जरूर ले लेना, क्योंकि हर चीज पूरी प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन है, राइट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट इज क्या लिखा हुआ है हमारा ए कॉलन कॉलन टू, सॉरी ए थ्री कॉलन कॉलन टू, इससे क्या होगा, इससे पहले इसको हटा देते हैं, अब ध्यान दो कहां से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट नंबर इज थ्री तो ये आया थ्री, सेकेंड बीच में जो कॉलन लगा हुआ है कौन सा कॉलन, ये वाला, इसके बाद और इससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ,
ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से समझो। यहां लिखा हुआ है थ्री, फिर लगा हुआ है कॉलन, फिर स्पेस है, फिर लगा हुआ है कॉलन, फिर लगा हुआ है टू। इसका मतलब क्या हुआ, थ्री से स्टार्ट करना है, फर्स्ट कॉलम के बाद कुछ नहीं है, तो मतलब एंड तक जाना है, जितने भी स्ट्रिंग में करेक्टर्स है इंडेक्स वहां एंड तक जाओगे। और क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, यानी कि टू टू प्लस करना है। अब यहां ध्यान दो, एंड कौन सा है हमारा, सबसे एंड इज 11, हमें कहां तक जाना है 11, अगर आएगा एड करने से तो वो भी प्रिंट करना है। तो यहां चलते हैं, फर्स्ट क्या है थ्री, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, कितने एड करने हैं, थ्री के बाद एड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर उसके बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर 2 ऐड करेंगे तो 7 के बाद 9, 9 के बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, और फिर 11 के बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। लेकिन डायग्राम देखो दोबारा से, 11 तक है, 13 तो है ही नहीं, तो हम कहां तक लेंगे, हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट नहीं आएगा, हम लेंगे ये 3 5 7 9 11। तो आते हैं डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम में देखते हैं कहां से कहां तक आना है, 3 5, तो ये हो गया 3 5 7 9 11। 3 में क्या है, S, फिर है C, S C A S S, S C A S S, तो ये आ गया S C A S S, ठीक है, नोट करो इसको भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अच्छा ये लिखना है तो ये भी लिख लो, इससे ये पार्ट हो रहा है 3 5 7 9 11। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, कहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉलन से पहले, फर्स्ट कॉलन से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से, दैट इज 0 से। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉलन के बाद 5, तो इसका मतलब 5 तक आएगा, 5 इंक्लूड नहीं है। फिर लिखा है कॉलन 3, इसका मतलब हर बार 3 3 प्लस करोगे, तो कहां से स्टार्ट होगा, कॉलन से पहले कुछ नहीं है तो 0 से, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 इज 3, फिर 3 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 इज 6, लेकिन हमें कहां तक जाना था, 5 से कम तक, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा 0 और 3। तो डायग्राम में चलते हैं, 0 पे क्या है, 3 पे क्या है, ठीक है, दिस इज 0 और 3 क्या है ये, तो क्या आएगा जी, जी के बाद एस, तो आउटपुट क्या आएगा इससे, जी, जी के बाद एस। अब आप इसको नोट कर सकते हो, ये भी जरूर नोट कर लेना, इससे ये मैंने लिखा और आउटपुट में ये आया, पेपर में ये नहीं दिखाना, ये आपका रफ वर्क होगा, आपको ये दिखाना है, डायग्राम में नहीं दिखाना, ठीक है, नोट कर लो। अब आते हैं हम लास्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम से पहले कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कॉलम के बाद और सेकंड कॉलम से पहले यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है और यहां पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, 4, यानी कि हर बार 4 4 प्लस करोगे, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 आएगा, फिर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर दोबारा 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें यहां रुक जाना है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट का तो क्या है, 11 है, तो हमें इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, 0 4 8, तो 0 4 8 पे देखते हैं क्या है, 0 पे जी है, 4 पे स्पेस है, स्पेस, कई बच्चे ना गलती करते हैं, कहते हैं स्पेस स्पेस नहीं आएगा, स्पेस भी आएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 0 आया, 0 के बाद 4 आया तो कितना आ गया, स्पेस आ गया, 4 के बाद कितना, 8 8 क्या है, एस, तो क्या आ गया, जी स्पेस और एस, जी स्पेस एस, तो यहां पर आते हैं, इससे क्या आएगा, जी स्पेस और एस, ठीक है, ये नो, सॉरी ये नोट कर लो आप, ये आंसर हो गया,
तो इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों हमने देखा स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसके अंदर हमने ध्यान दोगे ना सारे पॉजिटिव है, कहीं पे भी नेगेटिव नंबर यूज नहीं करा। अभी हमने आगे नेगेटिव भी करना है, नेगेटिव में क्या होगा, अधिकतर बच्चों को नेगेटिव वाले में दिक्कत आती है। और आगे चलने से पहले दोबारा से इंफॉर्मेशन दे दूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, बहुत काम आएंगे। गैप्स क्लासेस के नोट्स में हर चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन है, दी बेस्ट है। गैप्स के नोट्स करने के बाद आप कोई भी बुक अगर रेफर करना चाहो तो रेफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेगेटिव वाला, जहां पे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम नेगेटिव नंबर से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।